please subscribe our channel. This news is sponsored by Prayas ITI Mehra. SK डेयरी फार्म BPO मेरा तहसील ज्वाली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, यहाँ पर मिलने वाले दूध दही पनीर खोया मक्खन देसी घी में शुद्धता की पूरी गारंटी। शिवसेना कांगड़ा चंबा इकाई द्वारा कोरोना काल में बेहतर कार्य करने पर कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने हेतु शुरू अभियान के तहत आज शिवसेना प्रभारी कांगड़ा चंबा नरेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष राजेश कौंडल व उनकी टीम ने जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति, SP कांगड़ा विमुक्त रंजन, CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरुदर्शन सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिवसेना प्रभारी ने जिलाधीश कांगड़ा के समक्ष कुछ समस्याएं भी रखी, जिनमें जिला कांगड़ा में बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या की रोकथाम बारे कोई कार्य योजना बनाने, चिट्टा व शराब माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने व ईसाई मशीनरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई। इसके साथ पंचायतों में BPL सर्वे द्वारा करने की भी मांग की। उन्होंने कहा है कि ताकि इस योजना में अन्य पात्र लोगों को भी लाभ मिल सके। वहीं शराब के ठेकों को मेन बाजार में खोलने की भी मांग उठाई गई। जिलाधीश ने आश्वासन दिया है कि बेसहारा पशुओं जल्द हल होने वाली है। सरकार ने प्रदेश में कौ सेंचुरी खोलने की योजना बनाई है, इन सेंचुरी में बेसहारा पशुओं को रखा जाएगा। उन्होंने बताया है कि अभी गौ सदनों में पशुओं को रखने की कैपेसिटी कम है, इसलिए आवारा पशुओं की समस्या सामने आ रही है। कोरोना टाइम में जिन्होंने बढ़िया काम किया है उनको सम्मानित कर रही है, इसीलिए हम धर्मशाला आए हुए हैं और आज हमने DC साहब को भी सम्मानित किया है और SP कांगड़ा और CMO साहब को भी सम्मानित किया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में अपनी बेहतर सेवाएं दी हैं और जनता की मदद की है, तो इसीलिए हमारे हाई कमान के निर्देशों के अनुसार हम जो जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। DC साहब के सामने कुछ समस्याएं उठाई हैं अपने एरिया की, जैसे एक तो जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ईसाई मिशनरी जो है, तो कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी कि जबरदस्ती लोगों गरीब लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है, तो वो भी हमने इनके सामने रखी है अपनी मांग कि उस पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगाया जाए। और दूसरा हमने इनके सामने नशे के प्रति जो है, आपने देखा युवा नशे में डूबते जा रहे हैं, तो हमारे एरियाज़ में चिट्टा हुआ या शराब हुई दो नंबर की, जैसे लाहन जिसको हम बोलते हैं, और कैप्सूल हो गए, और भी कई नशीले पदार्थों की तस्करी जो है वो खुलेआम हो रही है, तो उस पर भी अंकुश लगाया जाए और युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा भविष्य बनाया जाए। तीसरी जो समस्या थी हमारी वो थी आवारा पशु जो सड़कों पे दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं और लोगों को भी नुकसान होता है, साथ में जो पशु हैं वो भी बेवजह जख्मी हो जाते हैं। अभी पीछे हमने गाय की ट्रीटमेंट कराई, वो पूरा उसका पूरी बॉडी पे घाव थे और कीड़े पड़ चुके थे, तो अभी उसको 2 महीने लगेंगे ठीक होने में, और आप ये सारा जो है वो फेसबुक पे भी देख सकते हैं सारी डिटेल। तो हमने उनको जो समस्या है कि जो गांव है या मतलब अपने शहर हैं उनमें गांव के लिए बाड़े बनाए जाएं और उनको एक अच्छा मतलब एक उनका खान पान की व्यवस्था की जाए।